हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ रफीक अहमद। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। और काफ़ी दिनों बाद फिर से ये एक आप लोगों के लिए एक ट्रिक्स और टिप्स लाया हूँ, क्योंकि साफ सफाई किसको पसंद नहीं है। बस क्या है कि उस साफ सफाई में आपको थोड़ी अपनी पेशेंस रख के मेहनत करनी होगी, और वो भी ज़्यादा नहीं, 5 से 6 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम। तो सिर्फ 2 रुपये में जो है आप अपनी एसी को कैसे ठीक रख सकें, कैसे कूलिंग बढ़ा सकें, वो आज शेयर करने वाला हूं। तो जो चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बहुत ज़्यादा अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें। तो चलिए चलते हैं और अपने एसी को कैसे उसका जो है वो कूलिंग बढ़ाएं और अपनी इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, वो आज शेयर करने वाला हूं। बस चलते हैं और सीधा अपने काम पे, अपने ड्यूटी पे लग जाते हैं, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है। तो भाई छुट्टी के दिन में मजदूरी तो करनी बनती है घर पे, है ना। तो आप लोग भी हमारे साथ जो है इस वीडियो की मदद से अपने घर पे लग जाएं छुट्टियों में। ये देखिए कैसे साफ करें, वो आज मैं शेयर करने वाला हूँ। तो ये देखिए पूरा जो है डस्ट लगा रहता है, और इसको हर हफ्ते दिन 10 दिन में जो है साफ करना होता है। तो लोग कई बार क्या है आलसपन कर जाते हैं, और जो एसी की कूलिंग है वो कम हो जाती है, क्योंकि इसके जो फिल्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ रहता है डस्ट से। तो वो निकाल के और आज साफ कर रहे हैं। अभी कोई भी हाइट चीज ले लें जो जहां आप पहुंच सके, और देखिए बड़ी आसानी से इसको आप पकड़ेंगे। वैसे तो सबको पता होगा, ऐसे पकड़ेंगे और ये खुल जाएगा। क्या है कि मैं हर हफ्ते में साफ करता हूं, तो मेरा बहुत ही ज्यादा गंदा नहीं है। ये सिर्फ मैं जो है आप लोगों से शेयर करता हूं कि इसको अगर साफ ना करें तो आपकी बिजली बिल भी ज्यादा आएगा और कूलिंग भी कम होगी। तो ये इस तरह से बड़े आसानी से जो है इसके एयर फिल्टर निकल जाते हैं। टूथब्रश, ये बड़े काम की चीज़ है। ये सिर्फ जो है दांतों की सफाई में काम नहीं आता है। इसका भी एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसका क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं एसी का एयर फिल्टर साफ करके आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो है ड्राई, इसमें भी पानी वानी कुछ नहीं डाला है। तो सबसे पहले ये ड्राई में ही कैसे साफ करें वो देख लें आप लोग। मेरा साफ है, बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले ही साफ किया था। लेकिन फिर भी आज छुट्टी है तो कुछ ना कुछ तो करा जाए, तो यही कर रहा हूँ आज। फिल्टर, एयर फिल्टर ही साफ कर रहा हूँ। बिल्कुल भी डस्ट नहीं है मेरा, लेकिन आपको आपको जो है इसी तरह से साफ करना है। अभी मैंने पानी नहीं डाला है। और दूसरी चीज़, ये जब इस तरह से करने के बाद जो है दोनों साइड से, और फिर क्या करना है, 2 रुपये का शैम्पू लेना है और उस शैम्पू से अच्छे से वॉश करना है। बस अभी फिलहाल जो है बिल्कुल मेरा क्लीन है। इसी तरह से दूसरे वाला भी आप जो है साफ कर लें। 2 से 3 मिनट आपका लगेगा ये एयर फिल्टर जो है साफ करने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट, और आपकी जो है कूलिंग बढ़ जाती है। बटन ले लिया मैंने, पढ़ लिया। ये साफ कर लें, ये जो एयर फिल्टर एक छोटा है उसको भी ऐसे साफ कर लें। ना कि मैं रेगुलर बेसिस पे साफ करता रहता हूँ। अभी मैंने फिलहाल जो है सूखे कपड़े से साफ कर लिया। इसको हाथ में ऐसे नहीं डालें, हाथ कट जाएगा बिल्कुल, बहुत शार्प रहता है ये। इसी तरह से दूसरा वाला भी निकालें, बहुत आराम से ये निकल गया। मैंने एक गिलास में पानी लिया है, नॉर्मल पानी। और पानी क्या करना है, डस्ट है ना यहाँ पे, ये डस्ट, यही डस्ट जो है ब्रश में साफ करना है, ब्रश से लेके। ये जो चिप नॉर्मल पानी है, और ब्रश को पहले अच्छी तरह नहलाया, और अब जो है धीरे धीरे वापस फिर से नहलाया, क्योंकि जो ब्रश में आ रहा है डस्ट वो हमारा पानी में मिल जाए।
थोड़ा सा आपको जो है पेशेंस रख के और छुट्टी के टाइम पे आपको टाइम देना पड़ेगा। फिर क्या है कि आपकी जो अप्लायंस है वो भी ठीक रहता है और आपकी बिजली की इलेक्ट्रिक जो पावर है वो भी सेव होता है और आपको कूलिंग भी ठंडा रहता है, ज्यादा मिलता है। जैसे ये निकाला था वैसे अब इसको फिट करना है। जैसे निकाला था ये दोनों छोटे वाले एयर फिल्टर फिट कर दिया, अब मेन वाले एयर फिल्टर फिट कर रहे हैं। अब ये फिट कर दिया, अब आराम से इसको ऐसे फिट कर देंगे आराम से। ये देखिए अब ये बैठ गया, बीच से भी बैठ गया ये आराम से। तो ये देखिए इस तरह से चार पांच मिनट थोड़ा सा मेहनत किया, गर्मी लगी, पंखे वंखे सब बंद करने पड़े, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, फिट भी हो गया, साफ भी हो गया। जो भी थोड़े बहुत डस्ट थे वो हट गया, क्योंकि मैं बहुत जल्दी जल्दी ये चीजें साफ करता रहता हूँ। तो क्या है, अप्लायंस भी ठीक रहेगा और कूलिंग भी बढ़ती रहेगी और मोटर पे और इलेक्ट्रिसिटी पे ये सब चीजें जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी, ज्यादा बिल भी नहीं आता है। तो ये ब्लॉग को मैं यही एंड कर रहा हूँ, फिर जल्दी मिलते हैं एक नई ट्रिक्स और एक नई टिप्स के साथ। तब तक अपना रखें ख्याल, अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा अच्छी लगी तो लाइक भी कर दें। तो फिर मिलते हैं जल्दी आप लोगों से।